तो भावनगर पालीताणा तालुकाना मोटी राजस्थली रोड पर माता पुत्री और पुत्र सहित त्रण लोको पानी में तणाई गया। आ घटना में महिला नो बचाव थयो, पुत्री और पुत्र पानी में गरकाव थया हता। भारे शोधखोळ बाद बन्ने बाळकना मृतदेह मळी आव्या छे। महत्वनुं छे के आजे सवारना समय माता एक्टिवा लईने दीकरा अने दीकरीने शाळाए मूकवा जई रह्या हता, त्यारे रस्ता पर आवेला कोजवे परथी पसार थती वखते त्रणेय एक्टिवा साथे पाणीना प्रवाहमां तणाया। भारे वरसाद ने कारण कोजवे पर पानी पसार थई रह्या हता। ते दरमियान आ दुखद घटना बनी। नगरपालिका की फायर की टीम स्थल पर पहुंची थी और शोधखोळ हाथ धरी थी। लोकोना टोळे टोळा पण स्थल पर उमटी पड़ा था। राजस्थली रोड पर शीतला माताजी मंदिर नजीक आ घटना बनी। अजीत गढ़वी मारा संवाददाता वधु विगतो आपी रह्या छे। अजीत, आ घटना में बन्ने बाळकोना मौत थया छे। विधि समग्र घटना करुण घटना जेने कही शकाय ते भावनगर ना पालीताणा ना राजस्थली रोड पर शीतलामाना मंदिर पासे बनी छे। सवारमां गई रात्रे मोड़ी रात्रे सतत वरसादने लईने अनेक जगह पाणी भरावानी घटना बनी हती, जेमां सवारे एक महिला माता पोताना बे बाळकोने एक्टिवा लईने ज्यारे जई रही हती त्यारे पाणीना प्रवाहमां तणाई गई हती। जेने लईने ते आजूबाजूना लोकोए महिलाने तो बचावी लीधी हती, परंतु जे तेना बे बाळको हता ते पानी अंदर गरकाव थई गया था। तात्कालिक लोकोनी आजूबाजूना लोकोनी सतर्कता ने लईने तुरंत फायर ब्रिगेड अने अनेक लोको मदद में आया था। थोड़ा कलाक सुधी की शोधखोळ दरमियान पहला जे 10 वर्ष ना जे बाळक हतो तेनुं मृतदेह मळी आव्यो छे। थोड़ी वार पहला ज जे बाळकी हती जे तेनी बहन हती, बे बन्ने भाई बहन हता, ते पुत्रीने पण जे मृतदेह छे ते मळी आव्यो छे। आ समग्र घटना ने लईने समग्र विस्तार में अरेराटी थई जवा ऊभी थवा पामेल छे। કરુણતાની વાત એ છે કે ભાઈ બંને બાળકો શાળાએ જતા હતા અને સામાન્ય એવો કોઈ મોટો ધોધમાર વરસાદ પણ નહોતો, પરંતુ એક વેણમાં જે પ્રવાહ છે જતો પાણીનો તેની અંદર માતાને થોડી ઉતાવળને લઈને ભૂલ કહી શકાય કે જે કહો તે અથવા તો પાણીનો વેણનું જે વધારે પડતું પાણીને લઈને પ્રવાહમાં તણાઈ જતા બંનેના કરુણ મોત થવા પામેલ છે। ફાયર બ્રિગેડ પાલિતાણા ફાયર જે નગરપાલિકાની ફાયર બ્રિગેડ છે તેણે બંને મૃતદેહો શોધી કાઢ્યા છે। આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને તેના પરિવારમાં ગામમાં અને લોકોમાં ભારે શોકનો માહોલ ઉભો થવા પામેલ છે। બિલકુલ અજીત, તો બંને બાળકોના મોત આ ઘટનામાં થયા હોવાની વિગત છે। મહિલાનો બચાવ સ્થાનિકોએ કરી લીધો હતો। ફાયર બ્રિગેડની ટીમ પણ ત્યારબાદ સ્થળ પર પહોંચી હતી, પરંતુ બંને બાળકોને બચાવી શકાયા નથી, મૃતદેહ હાથ લાગ્યા છે।